इलेक्शन के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से शाहदरा साउथ जोन के जो विजयी कैंडिडेट हैं, चेयरमैन पे संजीव कुमार सिंह डिप्यूटी चेयरमैन हैं और चेयरमैन पर संदीप कपूर जी हैं, नीमा भगत जी हैं और उनके साथी हैं। अमूमन कल तो ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन नहीं होगा और आज इलेक्शन भी हुआ और आप लोग विजयी भी घोषित कर दिए। एक चिट्ठी की बड़ी चर्चा है जो कि मेयर ने लिखी है कि ये नल एंड वॉइड है। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर चरित्र देखें तो उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वो सत्ता को दो या तीन लोगों में केंद्रित करना चाहते हैं और सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र और जनता के लिए बहुत जरूरी है। तो हम देख रहे हैं इनका करैक्टर, पिछले 20 महीने में चुनाव को कैसे भी करके कोर्ट का बहाना लेके ये टाल रहे थे। जब कोर्ट से भी क्लियर हो गया, जनता का प्रेशर, भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रेशर रहा, इन्होंने नॉमिनेशन किया, नॉमिनेशन वाले दिन भी कोर्ट चले गए और उसका मिसयूज करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने डांटा, इन्होंने कोर्ट में जो प्रस्ताव दिया था उसे वापस लिया। और अब जब बिल्कुल सब तय हो गया, लाखों रुपया खर्च हो गया, सारा निगम तय था, जनता इंतजार कर रही थी 20 महीने के बाद कि ये कमेटियां बने, हमारे बहुत सारे रुके काम हो, फिर ये उसमें अड़ंगा डाल दे। जनता इस सारे कुकृत्य को देख रही है और इन्हें दूसरा संजीव जी बहुत बहुत बधाई है आपको। आप ये बताइए कि अब जून के लिए प्राय क्या प्रायोरिटीज होगी आप लोगों की? देखिए संदीप जी, मैं नीमा जी सब मिलकर शाहदरा दक्षिणी जो क्षेत्र है हमारा, ये आम आदमी पार्टी को 2 साल से आने से बहुत ही पिछड़ गया है। सारे शाहदरा दक्षिणी में पूरी गंदगी का भयमार है। पहले तो हम उन कामों को जो है गति देंगे और जो काम हमारे रुक गए हैं, जिसकी वजह से विकास कार्य रुके हुए हैं और आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचार 2 साल में देखने को मिला है उस पर लगाम लगाने का काम हम लोग करेंगे। नीमा जी, आप सीनियर मेंबर हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी इसी बात का आंसर दूंगी कि एमसीडी एक्ट 487 के अंदर स्पष्ट है कि यदि निगम में या किसी भी संस्था में इस प्रकार की अराजकता हो रही है तो केंद्र को उसमें आना पड़ता है, उसी के अंतर्गत ये चुनाव करवाया गया है। उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का और सभी माननीय जो हमारे सेंटर के लोग हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ ही हम तीनों मिलकर और खासकर क्योंकि मैं स्थायी समिति की मेरे को जिम्मेवारी दी गई है एज ए मेंबर, तो हम लोग जो दिल्ली के जो आज तक का क्राइसिस है अपनी स्थायी समिति के बनने के बाद इस क्राइसिस को खत्म करेंगे और दिल्ली के विकास के लिए जिस तरीके के फंड की आवश्यकता होगी। जी, मैं मान के चल रहा हूँ कि आज जो स्थायी समिति के मेंबर हैं वो 12 जोन से चुन लिए जाएंगे, एक खाली सीट है बीजेपी की, वो बचती है, आपको क्या लगता है उस पर चुनाव होगा या नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल चुनाव होना चाहिए और हमें विश्वास है कि हम उसको भी वीन करके आएंगे और जो स्टैंडिंग का चेयरमैन होगा वो हमारा होगा। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पावरफुल कमेटी को लेकर के जो शाहदरा साउथ जोन के चुने हुए पार्षद हैं उन लोगों ने एक तरह से दावा ठोक दिया है। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इतना जरूर है कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लेकर के ही सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि वही एक पावरफुल कमेटी होती है, वही सारे प्रोजेक्ट और सारे जो परियोजनाएं हैं उनको पास करने का काम उसका अध्यक्ष करता है। कोई भी प्रस्ताव पहले स्टैंडिंग कमेटी में आता है और उसके बाद अगर वो प्रस्ताव पारित होता है, पास होता है, तो उसे सदन में पटल पर रखा जाता है 250 पार्षदों के सामने और उसके बाद से ही उसका जो है कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन वो किया जाता है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह।